हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू नाब्दा वीडियो आज हम लोग चैप्टर सिक्सटीन कंटिन्यू करेंगे उसका डेफिनेशंस और सिक्स डेफिनेशंस रह गया था तो वो सिक्स डेफिनेशंस हम आज क्रैक कर लेंगे ठीक है ये सिक्स डेफिनेशन करने के बाद आपका चैप्टर सिक्सटीन पूरा हो जाएगा एंड विल बी कॉन्फिडेंट इनफ फॉर दैट फिफ्टीन मार्क्स ओके ओके गो पोर्टफोलियो मैनेजर हु इज़ अ पोर्टफोलियो मैनेजर पोर्टफोलियो मैनेजर मीन्स एनी पर्सन हु कॉन्ट्रैक्ट्स और अरेंजमेंट विद द क्लाइंट ठीक है वो एक कॉन्ट्रैक्ट करता है किसके साथ अपने क्लाइंट के साथ और एक कॉन्ट्रैक्ट में क्या करता है उसका काम क्या रहता है वो एडवाइस करता है एडवाइस और डायरेक्ट्स एडवाइस करता है या फिर डायरेक्शन देता है और अंडरटेक्स ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट द मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटीज हैं वो अंडरटेक करता है किसके बिहाफ पे क्लाइंट के बिहाफ पे मतलब कौन कौन से सिक्योरिटीज पे आपको इन्वेस्ट करना है कौन सा क्या करना है कौन सा सिक्योरिटीज ज़्यादा रिटर्न देंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये सब कौन सोच के रखता है पोर्टफोलियो मैनेजर ओके लेट्स चेक आउट हिज रोल व्हाट डज ही डज डिसाइड्स द बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान फॉर इट्स क्लाइंट एज पर हिज इनकम एज एज वेल एज एबिलिटी टू अंडरटेक द रिस्क ठीक है तो उसका जो क्लाइंट है ना उसका एज के हिसाब से उसका इनकम के हिसाब से और उसके एबिलिटी के हिसाब से वो कितना रिस्क बेयर कर सकता है एज वी ऑल नो इज दैट द ग्रेटर द रिस्क द ग्रेटर दर तो यहीं यह कि वो डिसाइड करता है एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान उसको ढूंढ के देता है कौन ढूंढ के देता है पोर्टफोलियो मैनेजर ढूंढ के देता है अपने क्लाइंट को कि भाई साहब आप ये जो प्लान है ना ये जो इन्वेस्टमेंट स्कीम है ना आप यहां पर इन्वेस्ट कीजिए और आपके एज इनकम और रिस्क एबिलिटी के हिसाब से ये स्कीम बहुत ही बढ़िया मैच कर रहा है आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो ओके ही डज दैट नेक्स्ट इज मेक्स हिस क्लाइंट अवेयर ऑफ द वेरियस इन्वेस्टमेंट टूल्स अवेलेबल इन द मार्केट वो अपने क्लाइंट को अवेयर कराता है कि कौन से कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट टूल्स है राइट right? बहुत अलग अलग किस्म के इन्वेस्टमेंट वेस है कहाँ से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आपके पसंद के हिसाब से ही मेक्स दैट अवेलेबल टू दी क्लाइंट राइट वो क्लाइंट को अवेयर कराता है कि हाँ इतने इतने इन्वेस्टमेंट अवेलेबल्स हैं इन्वेस्टमेंट टूल्स अवेलेबल है आप किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो नेक्स्ट इज डिज़ाइन कस्टमाइज इन्वेस्टमेंट सोल्यूशंस फॉर इज क्लाइंट्स वो एक कस्टमाइज इन्वेस्टमेंट सोल्यूशन राइट डिज़ाइन करता है राइट right? वो कस्टमाइज क्यों क्या हो जाता है कि कस्टमाइज इन अन्स यू कैन यू कैन वेना वो यू वॉन्ट यू कैन ऑल्टर द इन्वेस्टमेंट स्कीम ओके वो कस्टमाइज रहता है फ्लेक्सीबल रहता है कि आप आपके हिसाब से एक अच्छा सोल्यूशन मैं ढूंढ के देता हूँ आपके इन्वेस्टमेंट के लिए ये होता है अपना पोर्टफोलियो मैनेजर राइट दिस इज दी दिस इज दी रोल ही प्लेस नाउ नेक्स्ट इज नॉट लेस देन टू करोर तो उसका जो कंपनी का नेटवर्थ होना चाहिए वो होता है नॉट लेस देन टू करोर ओके लेस करो नेक्स्ट वॉन नेक्स्ट है अपना कस्टडियन ऑफ सिक्योरिटीज नाउ हु इज द दस्टडियन ऑफ सिक्योरिटीज नाम से पता चल रहा है कि जिसके कस्टडी में हम सिक्योरिटीज रखते हैं वो होता है कस्टडियन ऑफ सिक्योरिटीज लेट्स गो इनटू द डेफिनेशन अ कस्टडियन इज अ पर्सन हु कैरीज ऑन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग कस्टडियन कस्टडियल सिक्योरिटीज टू इट्स क्लाइंट हाँ वो कस्टडियल सर्विस देता है कि आप आपकी सिक्योरिटीज मेरे भरोसे रख सकते हो ओके नाउ द नेक्स्ट इज दी कस्टडियन कीप्स दी कस्टडी ऑफ दिक्योरिटीज क्लाइंट हाँ मैम तो यही बताया कि वो जो क्लाइंट का जो सिक्योरिटीज है वो अपने कस्टडी में रखता है कौन कस्टडियन ऑफ सिक्योरिटीज नेक्स्ट द कस्टडियन ऑल्सो प्रोवाइड्स इंसिडेंशियल सर्विसेज सच एज मेंटेनिंग दी अकाउंट ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ द क्लाइंट वो अपने क्लाइंट का अकाउंट मेंटेन करके रखता है कौन सा अकाउंट सिक्योरिटीज का अकाउंट भाई नेक्स्ट उसका रोल क्या आता है वो एक्चुअली में करता क्या लेट्स गो फॉर दैट एडमिनिस्टर्स एंड प्रोटेक्ट्स द एसेट ऑफ द क्लाइंट हाँ ऑब्वियसली आप अगर कस्टडियन के पास अपना अपना सिक्योरिटी उसके भरोसे रख के जा रहे हो तो ऑब्वियसली ही विल सिक्योर ही विल प्रोटेक्ट योर एसेट्स राइट द सिक्योरिटीज आर योर एसेट्स राइट तो वो आपका जो एसेट्स है वो प्रोटेक्ट करके रखता है ठीक है कौन कस्टडियन राइट नेक्स्ट इज रिकॉर्ड्स एसेट्स रिकॉर्ड्स एसेट्स वो अपने वो आपका जो एसेट्स का रिकॉर्ड है वो मेंटेन करके रखता है कि कितना एसेट है आपके पास कितना नहीं है नाउ फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस कस्टडियन और सिक्योरिटीज़ अगर आप सोचोगे कि यार कस्टडियन और सिक्योरिटीज़ का रिक्वायरमेंट क्या होता है देखो कस्टडियन और सिक्योरिटीज़ का ना आपका और मेरा रिक्वायरमेंट नहीं होता वो इन्वेस्टर्स का होता है कि जो इन्वेस्टर्स बहुत भारी मात्रा में इन्वेस्ट करते हैं राइट तो उनका हिसाब नहीं रह पाता वो अकेले हिसाब नहीं रख पाते कि हाँ हम कहाँ पे इन्वेस्ट किए एक्सेट्रा एक्सेट्रा यहाँ पे किए थे वहाँ पे किए थे पिछले साल वहाँ पे मेरा कितना एसेट्स है तो अकेले को संभालना ना बहुत प्रॉब्लम हो जाता है तो वो बंदा क्या करता है कि कस्टडियन और सिक्योरिटीज का हेल्प लेता है अंडरस्टूड ना नेक्स्ट इज कंडक्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ सिक्योरिटीज वो आ, वो सिक्योरिटीज को रजिस्टर करके रखता है नाव ओपन अ सेपरेट कस्टडी अकाउंट

just for your moral support let's go for this okay investment advisor means any person who for consideration is engaged in the business of providing investment advice to clients matlab investor investment advisor वो बंदा है जो आपसे एक consideration लेगा मतलब जो आपसे फीस लेगा और फीस लेके वो आपको सर्विस देगा कौन सा सर्विस देगा investment advisory का सर्विस देगा he will advise you where to invest and where not okay next is

मिनिमम नेटवर्थ रुपीज ट्वेंटी फाइव लैक वाइल्ड फॉर इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फार्म्स के लिए आपका टेंजेबल एसेट होना चाहिए एक लाख फॉर कंपनी इट इज नेटवर्क ट्वेंटी बट फॉर एन इंडिविजुअल नेक्स्ट है अपना रिसर्च एनालिस्ट नाउ हु पर्सन हु इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसर्च एंड लिस्ट वैसा बनता है जो रिस्पॉन्सिबल है इन चीजों के लिए कौन सा चीज लेट्स गो फॉर इट नंबर वन प्रोवाइडिंग रिसर्च रिपोर्ट वो रिसर्च करता है राइट यू ही रिसर्च दी मार्केट्स एंड प्रोवाइड्स अ रिपोर्ट टू यू नाउ मेकिंग बाइंग सेलिंग होल्डन

एक्चुअल में है कंपनी का इस दे, कंपनी का कैपेबिलिटी uh, कैपेबिलिटी okay. सब कुछ वो रिकॉर्ड में मेंटेन करके आपके पास ला कर देते हैं कि यार ये इंडस्ट्री का ना ये इंडस्ट्री का ये कंपनी का ऐसा ऐसा है ऐसा ऐसा है रॉ डाटा वो ला कर आपको देते हैं वो रिसर्च एनलिस्ट क्या कहलाता लाता है मेक फोकास्ट और रिकमेंडेशन अबाउट वेदर टू बाई और सेल सिक्योरिटीज वो फोकास्ट करता है या फिर रिकमेंड करता है कि Whether he should buy or sell securities okay he makes even forecast ki कि you should buy or not, you should sell or not, okay. This is the work of research analyst. ओके okay, इसके तो यहाँ से ही आप पॉइंट उठा के यहाँ पे लिख दे पाओगे इजनेट ही मेक्स ही buys, सेल्स और होल्ड्स वो आपको एडवाइज करता है आपको खरीदना चाहिए सेल करना चाहिए या फिर आपको होल्ड में रखना चाहिए ठीक है ही रिकमेंड्स यू फॉर दैट ओके ही रिकमेंड्स यू फॉर दैट अंडरस्टूड ही रिकमेंड्स यू कि यू शूड बाई यू शुड सेल और यू शुड होल्ड दी सिक्योरिटीज ओके ना वो आपको प्राइस टारगेट भी देता है प्राइस टारगेट क्या होता है भाई प्राइस टारगेट होता है कि यार एट व्हाट रेट यू शुड सेल दी सिक्योरिटी ओके वो रिसर्च करके उसके बाद आपको एडवाइस करता है रिकमेंड करता है कि एट व्हाट रेट यू शुड यू शुड सेल दी सिक्योरिटीज एट व्हाट रेट यू शुड होल्ड दी सिक्योरिटीज एट व्हाट रेट यू शुड बाय दी सिक्योरिटीज अंडरस्टूड ओके तो इसका एलिजिबिलिटी क्या होता है बॉडी बॉडी कॉपरेट और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फार्म नॉट लेस देन 25 फाइव लाख ओके और रिसर्च एनालिस्ट का अगर आपका इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फार्म हो शेल okay. है अपना क्रेडिट रेटिंग एजेंसी अंडरस्टैंड दिस व्हाट इज अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नाउ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मीनस एम बॉडी कॉपरेट समझ में आ रहा है ना कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एक बॉडी कॉपरेट होता है विच इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ रेटिंग ऑफ सर्विसेज ठीक है वो वो एक बिजनेस business... करता है जो बिजनेस उसका यही है उसका काम यही है कि वो दूसरों को सर्विस को रेट करे दूसरों के सर्विस को जज करे ओके ओके ऑफर्ड बाय वे ऑफ पब्लिक और और राइट कौन सा वैसा सर्विसेज को जज करे हर किसी के सर्विस का जज करेगा वो नहीं हर किसी के सर्विस को जज नहीं करेगा वो वही सर्विस को जज करेगा जो कि पब्लिक इशू लाता है राइट right इशू लाता है अंडरस्टूड नाउ नेक्स्ट द रोल इट प्लेज अ रोल इन इन्वेस्टर प्रोटेक्शन इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है राइट ना क्रेडिट रेडिंग एजेंसी अगर ना हो तो क्या होगा अपने लाइफ में क्या डिफरेंस होगा लेट्स अंडरस्टैंड दिस देखो फॉर एग्जाम्पल अगर आप किस कोई भी ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हो ना तो आप उसका रेटिंग देखते हो ना यू यू वॉच फॉर द रेटिंग इज नैट रेटिंग हाई हो तो डेफिनेटली बाई इजनेट और रेटिंग सबसे और, और परचेज ज़्यादा हो रेटिंग हाई हो तो यू विल डेफिनेटली बाय दी प्रोडक्ट इज नेट सो ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भी ऐसा ही है वो प्रोडक्ट्स का रेटिंग नहीं करता वो सिक्योरिटीज का रेटिंग करता है अंडरस्टूड वो सिक्योरिटीज का रेटिंग करता है अंडरस्टूड ना सो दैट कि इन्वेस्टर खरीदने से पहले वो रेटिंग देख ले और इस सिक्योरिटी का कितना रेटिंग है उसके हिसाब से वो इन्वेस्ट करें अंडरस्टूड दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रेडिट रेडिंग एजेंसी नेक्स्ट इज Encourage discipline amongst corporate borrowers. Obviously discipline maintain करके रखता है अगर अगर आप एक, बो, अगर आप एक एक हो और आपका जो आपका जो राइट right इशू आप इशू कर रहे हो इसने issue कर ला रहे हो तो वो अगर डिसिप्लिन वे में ना हो मतलब अगर आपका कोई गलत ट्रैक रिकॉर्ड हो तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या कर देगा आपका रेटिंग कम कम कर देगा इजनेट सो फॉर दैट जो borrowers होते हैं borrowers मतलब क्या हो जो कंपनी जो सिक्योरिटीज जो इशूज लाते हैं इजनेट पब्लिक इशूज लाते पैसा लेते तो उनके बीच में डिसिप्लिन मेंटेन करके रखता है कि यार आप जो बोरिंग कर रहे हो करो अच्छी बात है बोरिंग कर रहे हो लेकिन टाइम पे पैसा वापस दे भी देना ठीक है इंटरेस्ट In भी दे देना अंडरस्टुड सो दिस इज द थिंग तो एक डिसिप्लिन मेंटेन होकर रखता है अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन ना करके रखोगे तो क्या होगा तो आप क्या करेगा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आपका रेटिंग कम कर देगा फॉर एग्जाम्पल इन ए क्लास रूम इफ़ यू डोंट मेंटेन डिसिप्लिन टीचर क्या करता है टीचर के नजरों में आप गिर जाते हो राइट एंड इफ यू कीप द डिसिप्लिन इन योर क्लास रूम वन यू ए किड एट दैट टाइम टीचर के फेवरेट स्टूडेंट बन के रह जाते हो आप आपने तो टीचर की फेवरेट स्टूडेंट बनने का फायदा क्या होता है यार टीचर एक दो ग्रेस मार्क दे देते एग्जाम में वो तो होता ही है करवा सच तो यही बात है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी अगर आपको अच्छा रेटिंग देगा तो पब्लिक विल कम टू यू यूज पब्लिक विल कम टू यू एंड बायर शेयर नेक्स्ट इसका मिनिमम वर्थ क्या है फाइव करोड़

थ्रू द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट मतलब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट डिपॉजिटरी का एक एजेंट होता है ओके एंड डिपोजिटर इज ऑर्गेनाइजेशन ओके लाइक सिंपली एज दी सेंट्रल बैंक जैसे अपना सेंट्रल बैंक नहीं होता है वैसा ही अपना डिपॉजिटरी ओके okay? और डिपॉजिटरी का एजेंट होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आपके पास फिजिकल शेयर्स है आप लेकर जाओगे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आपका एक डी अकाउंट खोल देगा और वहाँ आपके आप वहाँ पर आपका जो फिजिकल शेयर्स है ना वो आपका इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स बना के उस पर वो क्रेडिट कर देगा ओके okay? वो रख देगा आपका फिजिकल शेयर इन द वे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ये होता है आपका डिपॉजिटरी का फंक्शन और डिपॉजिटरी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स को रीमेटलाइज़ भी कराते हैं ओके ना वो ये जो ये जो आ, ये जो फिजिकल सर्टिफिकेट से आपको इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट मिल रहा है ना तो उसको कहते हैं हम लोग डी और इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट से आपको फिजिकल सर्टिफिकेट्स अगर मिल, लेना चाहते हो वो भी काम अपना डिपॉजिटरी करता है उसको कहते हैं हम लोग रीमेट्राइजेशन ओके ओके आई शुड अंडरस्टैंड दिस ये जो सर्विस दे रहा है ना कौन सर्विस दे रहा है आपका डिपॉजिटरी डिपॉजिटरी सर्विस दे रहा है तो ये जो डिपॉजिटरी है ये डिपॉजिटरी उस वो खुद तो नहीं जाएगा वो एक ऑर्गेनाइजेशन है एज इट नाउ ये डिपॉजिटिव पार्टिसिपेंट के थ्रू कराएगा ये सब चीज़ें तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन है वो एक एजेंट है किसका एजेंट है डिपॉजिटरी का डी पी मीन्स डिपॉजिटिव पार्टिसिपेंट इज अ एजेंट ऑफ द डिपॉजिटरी थ्रू विच द डिपॉजिटरी इंटरफेस विद द इन्वेस्टर इन्वेस्टर के साथ बातचीत होता है कैसे थ्रू हुम थ्रू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एंड प्रोवाइड्स डिपॉजिटरी सर्विसेज ओके ना ये क्या है कि उसका Okay, let's check this out.

चैप्टर सिक्सटीन में से अगर कोई भी क्वेश्चन आया ना तो मैंने जो ये वीडियो और इससे पहले जो वीडियो लॉन्च किया था इससे पहले जो वीडियो मैंने अपडेट किया था वो दोनों वीडियोस आप देख लो चैप्टर 16 से यही क्वेश्चंस आने वाला है आप लिख के ले लो अंडरस्टूड एंड चैप्टर 15 का मैं अपडेट नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन आई विल श्योरली रिप्लाई थैंक यू हैप्पी लर्निंग